नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इन हिंदी। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट जॉब के बारे में जानकारी देते रहता हूँ और थ्योरी सब्जेक्ट जो ITI से इलेक्ट्रिशियन से उसके बारे में जानकारी देते रहता हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ दोस्तों आपके सामने न्यू अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी लेकर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, ये यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए, जो ITI बंदे किए हुए हैं उनके लिए जो निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ है, कहाँ पे है, ये झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, ठीक है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप देगी, ठीक है। इसमें आ जाते हैं कि सीट कितना है, ठीक है। फीटर वालों के लिए 59 सीट है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 59 सीट है, वेल्डर वालों के लिए 24 सीट है, मशीनिस्ट वालों के लिए 7 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए 5 सीट है, और मैकेनिक डीजल वालों के लिए 4 सीट है, कारपेंटर का 8 सीट है, प्लम्बर का 8 सीट है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का 7 सीट है, पाइप फिटर का 7 सीट है, ठीक है। टोटल 188 सीट है। ये आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपको मिनिमम 50% मार्क रहना चाहिए 10th में, ठीक है। और ITI जो पास किए हैं उसमें मिनिमम 60% मार्क रहना ज़रूरी है, ठीक है। 50% मार्क 10th में और 60% मार्क्स आपका जो ITI पास आउट किए उसमें मार्क्स रहना ज़रूरी है, ठीक है। और एज के बारे में आ जाते हैं, मिनिमम एज आपका 18 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर रहना चाहिए। और ये आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के द्वारा आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप जॉब के लिए उसके ऊपर ये नहीं बोल सकते कि हमको जॉब दीजिए, 1 साल के बाद वो आपको निकाल देगा, ठीक है। आपको 1 ईयर का सिर्फ अप्रेंटिसशिप देगा और ये जो पेमेंट देगा वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा है उसके मुताबिक आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मार्क बेसिस पे होगा आपका, ठीक है। 10वां और ITI के मार्क्स को जोड़कर वो आपका मेरिट बनाएगा, उसके बाद में ये आपका सिलेक्शन लेगा, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों मैं बताऊंगा। ये इसको आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा डाक के द्वारा, ठीक है। आप इसका फॉर्मेट नीचे में है, आपका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। आपको इसको आपको डाक के द्वारा भेजना होगा, ठीक है। झारखंड का जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफिस लिमिटेड है वहाँ डिप्टी मैनेजर के नाम से भेजना होगा आपको ये डाक के द्वारा, ठीक है। इसका मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्मेट ये दोस्तों ये देखिए ऐसा है। इसमें अप्लाई करना है, नेम डालना है, जेंडर डालना है, मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद ITI और SSC जब कब पास किए इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपका इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे लेटेस्ट जॉब जो ITI से निकलते हैं वो पहले जानकारी आपको मिले। चलिए दोस्तों चल रहे, धन्यवाद।